ये टेलीविजन की सासे एंड नंदे, आई टेल यू, चाहे जितनी भी सोफिस्टिकेटेड दिख लें, हरकतें तो टीवी वाली ही रहेंगी ना। अब देख लीजिए, यहाँ पर हमारी मनमीत शेर दिल शेर गिल में मनमीत की सासू माँ क्या सुधरी, ननद आ गई है ढेर सारा नौटंकी वाला ड्रामा लेकर। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, ये तो टीवी सीरियल्स की कहानी में हम सब ने खूब देखा है। आज एक बार फिर से देख लीजिए, मनमीत के ससुराल में पूजा है। अब इस पूजा की पूरी तैयारी ही कर रखी है मनमीत ने। अब मनमीत की ननंद को इस सारा खेल बिगाड़ना है, तभी तो उसने तेल गिरा दिया है। अब उसने सोचा कि मनमीत गिरेगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर वो खुद गिरी तब तो सबसे बड़ी बात हो जाएगी। घर वालों से उसने कह रखा है कि वो प्रेग्नेंट है, और जब वो गिरेगी तो सारा इल्जाम मनमीत पर आ जाएगा कि इंतजाम उसने ठीक से नहीं किया। वो खुद को गिराने के लिए भी मेरा मकसद है कि मैं मनमीत को फंसाऊं, क्योंकि अगर मैं गिरूंगी तो वो फंसेगी, क्योंकि उसने सारा तामझाम किया हुआ है, उसने सारा डेकोरेशन किया है। ये प्लान का ही हिस्सा है, मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हूँ, बस मैंने ये बहाना मारा है कि ताकि सारी अटेंशन सारा प्यार मुझे मिले, और वो प्यार के चक्कर में मैं मनमीत का भी ट्रस्ट गेन कर लूं, और उसको धीरे धीरे करके प्यार से उसको फंसा दूं। अगर मैं गिरूंगी, आई एम प्रेग्नेंट, तो मनमीत पे सारा नाम जाएगा। तो बेसिकली वो पूरा सीन है, मैं उसको फंसाने के लिए मैं खुद गिर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर जैसा ननंद साहिबा ने सोचा था वैसा हुआ नहीं। मनमीत के घर वाले भी आए, पूजा का माहौल भी सेट था। तभी ननंद ने कहा कि चलो एक सेल्फी लेते हैं। अच्छा, मैं ना इस मोमेंट का बहुत टाइम से वेट कर रही थी, मुझे एक सोशल मीडिया में एक पिक्चर डालनी है, तो आज उस रोज सेल्फी लेते हैं। अब सेल्फी के बहाने वो गिरी, लेकिन पीछे से मनमीत ने उसे थाम लिया, यानी कि जो सोचा था ना वैसा कुछ नहीं हुआ। एक बार जब रिहर्सल में मनमीत ने मुझे पकड़ा ना, उसके बाद मुझे लग गया कि पकड़ लेगी। मुझसे ज़्यादा टेंशन मनमीत को हो रही थी कि मैं गिर ना जाऊँ, एज इन सुरभि को हो रही थी कि मैं गिर ना जाऊँ। तू ध्यान दियो, तू अच्छे से पकड़ी हो, तो या जब उसको ज़्यादा टेंशन है तो मेरे को तो कोई वो स्ट्रेस ही नहीं था, तो बहुत चिल था। वो एक ट्रस्ट फैक्टर था हम दोनों के बीच में कि हम कर लेंगे, एंड कुछ गद्दे वद्दे या किसी चीज़ की नीड नहीं, हम अपने आप कर लेंगे गिरने का सीन। एक ही प्लान नहीं है मेरे पास, और बहुत सारे प्लान्स हैं। जब तक वो निकल नहीं जाती हमारे घर से, हमारी ज़िंदगी से, जब तक मुझे सारी प्रॉपर्टी और जायदाद नहीं मिल जाता, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। इस पूजा में फिलहाल एक ड्रामा होने से रह गया है कोई नहीं। ननंद साहिबा, आपने ही कहा ना कि आपके पास ऐसे बहुत सारे प्लान हैं, तो अगली बार कोशिश करना, क्या पता आप कामयाब हो जाएं। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।